हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट राजेश जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा। झज्जर में कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर वीरवार को हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट राजेश जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी समूह की धोखाधड़ी पर केंद्र सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। राजेश जून ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच कराई जाए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज से तकरीबन एक महीना पहले 24 जनवरी को जो हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी ने अडानी ग्रुप के बारे में जो खुलासा किया था, उसमें पाया कि अडानी ग्रुप ने अपने आप को अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अनाप शनाप ज्यादा दिखा करके अपनी खुद की 88 फर्म, जिसमें से आधी से ज्यादा फेक फर्म है, झूठी है, अपने शेयर उस फर्म को बेच दिया। उसी की फर्म ने उसको बेच दिया। एक 10 रुपए के शेयर को 500 रुपए में तक पहुंचा दिया, 500 रुपए की रेंज में। 31 दिसंबर को उनके शेयर की कीमत थी 500 रुपए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा सरकार ने भारतीय कानूनों को ताक पे रख करके कानून के बाहर हमारी बहुत ही बहुमूल्य जीवन बीमा जो कंपनी है LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कानूनों को ताक पे रख के उनसे उस शेयरों के ऊपर उस स्कीम में पैसा लगवा दिया कि आपके शेयर बढ़ेंगे तो LIC को, SBI को बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा। 500 रुपए के शेयर के हिसाब से अगर 1000 रुपए का शेयर होगा तो 1000 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए का शेयर होगा 10 रुपए मिलेंगे। जिसमें 24 जनवरी को जो हिंडनबर्ग एजेंसी ने जो खुलासा किया, उसके बाद अब तक 500 रुपए के शेयर की कीमत तकरीबन मार्केट में 200 रुपए से भी कम हो चुकी है। 30-40 करोड़ भारतीय आम आदमी का, गरीब आदमी का, मध्य वर्ग का LIC में, SBI में जो पैसा जमा था वो पैसा लगा हुआ है, जो 60% 1.5 महीने में 60% घटोतरी हो चुकी है। इसी विषय में हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सांसद श्री राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के जी ने संसद में ये आवाज उठाई, पुरजोर आवाज उठाई कि ये बहुत बड़ा मामला है। 30-40 करोड़ आदमियों का अगर नुकसान हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, जो भारत के संविधान में है। इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए, जो पहले भी सन 1991 में, सन 2001 में पहले इस कमेटी का गठन हो चुका है। ऐसे दो मामलों में तो श्री राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के जी ने पुरजोर आवाज उठाई कि इस के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए और इसकी जांच करवाई जाए। जो मोदी व भाजपा के मंत्रियों ने अपने मित्र अडानी को, उसके कसूरों को, उसकी गलतियों को छुपाने के लिए ना तो कमेटी का गठन किया, और बल्कि जो संसदीय कार्रवाई होती है, किस सांसद ने आज की किस डेट में अपनी ये आवाज उठाई, उस पर क्या अमल हुआ, संसद में पास हुआ वो मैटर या नहीं हुआ, बल्कि उस कार्रवाई को ही उस दिन की कार्रवाई से डिलीट कर दिया। इसी विषय में हमारी कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष की एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते अपना फर्ज अदा करना चाहती है कि जो देश को नुकसान पहुंचाने वाली एक बात बहुत बड़े जोर शोर से देश में उठी हुई है, उसको जनता तक पहुंचाया जाए। जो संसद में अपने घमंड में चूर मोदी ने, भाजपा सरकार ने जिस बात को तवज्जो नहीं दी, उस बात को जिला लेवल पर आज हरियाणा में हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार भाइयों के, आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ये पहुंचाना चाहती है कि भाई अगर उस पैसे को, लोन की जरूरत तो मुझे भी है, आपको भी है, जो भी छोटा मोटा कारोबार करता है, हर किसी को लोन की जरूरत है। आज जो 15 से 20 हजार
रुपए की नौकरी जो आदमी एक लड़का कर रहा है उसमें गुण है, अगर उसको भी कोई लोन मिल जाए अच्छा कारोबार वो भी कर सकता है। जहां एक 10-20 करोड़ आदमी जितने अमाउंट से बड़ा छोटा मोटा बिजनेस कर सकते थे वो एक ही आदमी को दे दिया गया, कोई बात नहीं अगर वो हकदार है तो दे सकते हैं, लेकिन वो हकदार नहीं था। उसने अपनी 100 रुपए की प्रॉपर्टी को 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी फेक गलत तरीके से बढ़ा करके LIC से SBI से सरकार ने मोदी ने अपने मित्र की सहायता करने के लिए गलत तरीके से जो लोन दिया है और जिसके आज 60% 1.5 महीने में उसका घाटा हो चुका है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी को उस बात का एहसास हो रहा है कि कभी ऐसा ना हो कि देश इस आर्थिक संकट में आ जाए। मीडिया वाले भाइयों से ये दरखास्त करते हैं, आपसे भी अपील करते हैं कि इस बात को आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए कि इसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, इसकी जांच हो और आने वाले इस संकट को बचाया जा सके। जिस तरह से सरकारी आपने खुद अपने वक्तव्य में कहा है कि जो भाजपा सरकार है वो फेवर करती नजर आई है अपने पूंजीपति मित्र का, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, मीडिया वाले सारे भाई जानते हैं कि 13 बंदरगाह जो देश की मुख्य मुख्य बंदरगाह जिनसे दूसरे देशों में आना जाना पोर्ट के माध्यम से समुद्र के माध्यम से चीज़ें आती हैं जाती है, वो 13 बंदरगाह अपने मित्र अडानी को दे दी। 6 मुख्य देश के जो एयरपोर्ट हैं वे अपने मित्र अडानी को दे दिए, जो कि एक ये देश के लिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी सोसाइटी के मेरे घर के 4 गेट हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो एक ही आदमी की सिक्योरिटी हो तो वो कुछ भी हेराफेरी कर सकता है। और वो जो भी टेंडर हुए हैं 13 बंदरगाहों में से, उनमें से 3 बंदरगाहों के तो जब टेंडर हुए हैं तो टेंडर भी नहीं निकाले गए, और बाकी 3 बार ऐसा देखा गया है जिन्होंने अडानी के कंपटीशन में टेंडर भरा गया है, जिस दिन उसकी बेटिंग होनी थी, टेंडर होना था, उसी दिन जो जिसने कंपटीटर ने टेंडर भर रखा है उसके घर में ईडी द्वारा रेड डलवा दी गई। तो किसी न किसी रास्ते से मोदी भाजपा सरकार अपने अडानी मित्र को सारे के सारे देश की गाड़ी कमाई एक ही आदमी को देना चाहते हैं और दूसरे बिजनेसमैनों को रोक रहे हैं। ये देश के लिए खतरे वाली बात है।